प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट लिखा, झूठे वादे करना आसान लेकिन पूरा करना मुश्किल। वे लोगों के सामने बेनकाब हो गए हैं। तो कांग्रेस की फ्री गारंटी पर पीएम मोदी ने क्या कहा, ये जान लीजिए। कांग्रेस की गारंटी पर पीएम ने क्या कहा है? दरअसल पीएम ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस लूट में व्यस्त है, स्कीम वापस लेने की तैयारी है। हिमाचल में कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। तेलंगाना में किसानों को वादे पूरे होने का इंतजार है। कांग्रेस के झूठ से जनता को सावधान रहना चाहिए। कांग्रेस को पता है कि वादे करना तो आसान है लेकिन पूरा करना कठिन है। पीएम मोदी के हमले के बाद अब खड़के ने भी किस तरीके से जवाब दिया, एक और लेटेस्ट न्यूज, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष खड़के का पीएम मोदी को जवाब। मल्लिकार्जुन खड़के ने एक्स पर पोस्ट लिखा, खड़के ने पीएम मोदी से 7 सवाल पूछे और 100 दिन की योजना सस्ता पीआर स्टंट बताया। अब सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का भी रुख करेंगे, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे होंगे कि कांग्रेस फ्री गारंटी विवाद है क्या, तो हम आपको ये भी आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले 7 सवाल देखिए जो खड़के की तरफ से पूछे गए हैं। क्योंकि खड़के ने पीएम मोदी से सवाल के तौर पर यह पूछा कि बेरोजगारी दर 45 लाख के उच्चतम स्तर पर, हर साल 2 करोड़ नौकरियों के वादे का आखिर हुआ क्या। दूसरा सवाल, घरेलू बचत 50 साल के निचले स्तर पर और बहुत हुई महंगाई की मार का क्या हुआ। तीसरा सवाल, 10 साल से सत्ता में है, अच्छे दिन का क्या हुआ। चौथा सवाल, कुछ भी बनाने का वादा करते हैं, विकसित भारत का क्या। पांचवा सवाल, न खाऊंगा न खाने दूंगा वाले वादे का हुआ क्या। छठा सवाल, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंक गिरी, देश नहीं झुकने दूंगा का क्या हुआ। वहीं सातवां सवाल, सबका साथ सबका विकास और जय किसान जय जवान का क्या हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब कर्नाटक सरकार की योजना की समीक्षा पर बयान दिया तो उस पर विवाद शुरू हो गया। आइए समझते हैं ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। बताया जा रहा है कि कांग्रेस गारंटी विवाद को लेकर के खड़गे ने कर्नाटक सरकार की आलोचना की, शक्ति गारंटी की समीक्षा पर खिंचाई की। खड़गे ने कहा, ऐसे वादे करो जो बजट के अनुसार हो। शक्ति गारंटी कर्नाटक में कांग्रेस की 5 गारंटियों में एक है और योजना में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का वादा किया गया था। अब आपको कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डेप्यूटी सीएम डीके शिवकुमार की वो बातचीत दिखाते हैं जिसके बाद इस विवाद की शुरुआत हुई। ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿದೆ, 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಡಕ್ ಮೇಗಿಲ್ಲ. और अब इस पूरे मामले में बीजेपी बेहद आक्रामक है। पीएम मोदी के अलावा दूसरे बीजेपी नेताओं ने भी कांग्रेस पर जबरदस्त हमला किया है। आइए दिखाते हैं किसने क्या कहा है। और हमारी सरकारों ने जो योजनाएं करी, चाहे वो लाडी लक्ष्मी योजना हो या बाकी हो, फिस्कल प्रूडेंस देखकर करते हैं तभी वो जमीन पर उतरता है और चलता है, खटखटाखट नहीं होता। तो खड़गे साहब, जो आपको इस उम्र में यह ज्ञान आया तो इस ज्ञान के लिए आपका अभिनंदन। इस वक्तव्य के बाद खड़गे साहब, कृपया करके आप देश से माफी मांगिए। राहुल गांधी खुद परेशान है खड़गे जी से। राहुल गांधी चुप तो ऐसे चीजों में रहते ही हैं और खुद परेशान है खड़गे के पोल खोलने से कि खटाखट मत करो, फटाफट जनता सबक सिखा दे रही है। चलिए, हमारे सहयोगी आमोद राय इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और आमोद जी, जिस तरीके से यहां पर ये पूरा विवाद सामने आया, एक बयान के तहत जिस तरीके से फ्री गारंटी विवाद को लेकर बात कही गई, उसके बाद तो अब सवालों की फहरिस्त के 7 सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी को बैठे बिछाए एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिसको लेकर बीजेपी काफी समय से
कांग्रेस पर हमला करती आ रही थी और उसको खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब अपने मुंह से बात वो कह दी तो बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा ऐसा मिला है जो दो राज्यों के चुनाव के मध्य ऐसा बयान आया है जिसको लेकर बीजेपी आक्रामक है। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने हैं, वहां पे अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र भी आना है और माना जा रहा था कि वहां भी जो वायदे होंगे वो लंबे चौड़े हो सकते हैं और उसके ठीक पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान बीजेपी को उन राज्यों में एक ऑक्सीजन देने का काम कर रही है और बीजेपी उसको लेकर आगे बढ़ रही है। कल जिस तरह से बीजेपी इसमें आक्रामक दिखी, एक के बाद एक रविशंकर प्रसाद हो, गिरिराज सिंह हो और अंत में प्रधानमंत्री ने स्वयं ट्वीट करके जिस तरह से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है वो अपने आप में ये बताता है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी इस मुद्दे को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को लेकर जनता के बीच जाएगी और वहां अपना पॉइंट स्कोर करेगी और बताने की कोशिश करेगी कि जिस तरह से कांग्रेस की हिमाचल सरकार कर्नाटक और तेलंगाना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पा रहे हैं वैसे ही यहाँ भी जो प्रॉमिस किए जा रहे हैं वो पूरे नहीं होंगे और इसको लेकर बीजेपी आक्रामक और भी होगी। सुरभि जी, लेकिन इस बीच कांग्रेस की गारंटी पर प्रधानमंत्री के हमले के बाद जो सवाल अब खड़गे की तरफ से यहां पर पूछे गए ये भी एक बड़ा सवाल, क्योंकि देखना होगा इनका अब क्या जवाब देखने को मिलता है क्योंकि 6 सवाल यहां पर कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से भी दाग दिए गए। आमोद जी, निश्चित तौर पर देखिए कांग्रेस की तरफ से भी सवाल दागे जाएंगे लेकिन बीजेपी का जो तर्क है कि उनके राज्यों में जो भी वो वायदे करते हैं उसको पूरा करते हैं और कल इस बात को रविशंकर प्रसाद ने प्रमुखता से स्थान दिया अपने वक्तव्य में और उन्होंने कहा कि हम चाहे लाडली बहन योजना हो या लोगों को 80 किलो मुफ्त अनाज देने की बात हो या लोगों को टॉयलेट देने की बात हो, पानी देने की बात हो, हम अपने प्रोमिसेज को फिजिकल प्रूडेंस के साथ उन राज्यों के वित्तीय हालत को देखते हुए एक अपना एजेंडा बनाते हैं और उसके बाद हम घोषणा करते हैं, जबकि कांग्रेस के राज्यों में ऐसा नहीं हुआ है और ये बात गाहे बिगाहे सामने भी आती है। जिस तरह से हिमाचल में कर्मचारियों को परेशानी हो रही है, वहाँ सांसदों और विधायकों को सैलरी देने में परेशानी हो रही है, या वहाँ के कर्मचारियों को जिस तरह की दिक्कतें हो रही है, तो बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है। अपने राज्यों में बीजेपी ये कह रही है कि हम फिजिकल प्रूडेंस को देखते हुए ये बनाते हैं सारा खाका और हम पूरा करते हैं और राज्य को वित्तीय घाटा नहीं होता है। हालांकि अगर आप इसके अंदर जाएं तो सारे राज्यों में कहीं ना कहीं एक भारी दबाव जरूर पड़ रहा है, जब से प्रीवी की शुरुआत हुई है, प्रीवाई जो है लोगों को देने की शुरुआत हुई है, तो इसमें बीजेपी हो या कांग्रेस आर्थिक बोझ जरूर पड़ रहा है राज्यों पर और सारे राज्यों को दिक्कतों का सामना करना जरूर पड़ रहा है। शुक्रिया आमोद जी पूरी जानकारी के लिए आपका, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे।